बॉलीवुड एक्टर रणवीर कपूर की फिल्म एनिमल साल 2023 की सबसे पॉपुलर फिल्म रही। इसमें कमाई के मामले में भी सारे नए रिकॉर्ड बनाए। कबीर सिंह डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने इसे बनाया था। फिल्म को दर्शकों से ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला, जबकि पिछले साल दिसंबर में रिलीज हुई एनिमल को ट्रोलिंग और प्यार दोनों मिले। इसके सबके बावजूद बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। एक बार फिर से फिल्म दोबारा चर्चे में आ गई है। इस बार एनिमल से एक डिलीट किया हुआ सीन वायरल हो रहा है। रिलीज के करीब 8 महीने बाद एनिमल के सीन को देख फैंस पागल हो रहे हैं। संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म एनिमल को रिलीज हुए लगभग 8 महीने हो चुके हैं। फिल्म में रणवीर कपूर ने लीड रोल प्ले किया था, जबकि वो रणविजय के किरदार में काफ़ी दमदार लग रहे थे। ये फिल्म फिर से चर्चा में आ गई है, लेकिन इस बार एक डिलीट किए हुए सीन की वजह से। फिल्म से एक डिलीट किया हुआ सीन सोशल मीडिया पर सामने आया है, जो सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स हैरान हैं कि इस फाइनल प्रोजेक्ट में क्यों शामिल नहीं किया गया। इस इंटेंस सीन में नशे में धुत और खून से लथपथ रणवीर खुद के लिए ड्रिंक लेकर कॉकपिट में जाते हुए दिख रहे हैं। वो पायलट के कंधे पर थपथपाते हुए उसे सीट से हटाकर खुद पायलट की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। सिगरेट फूंकते हुए एक्टर प्लेन उड़ाने लगते हैं। इस सीन में उनका गिरोह हैरानी में उन्हें देख रहा होता है, जबकि बैकग्राउंड में पापा मेरी जान गाना बज रहा होता है, जो इस पर और भी पावरफुल बना देता है। एनिमल के इस रिलीज सीन को देख फैंस इस फिल्म में शामिल करने पर डिमांड करने लगे। एक यूजर ने लिखा, फिल्म में सीन को हटाने के लिए संदीप रैना को माफ़ी मांगनी चाहिए। इसमें रणवीर ने अपने भाई की हत्या के बाद अपनी चुप्पी और दर्द को बखूबी दिखाया है। जबकि एनिमल पिछले साल 12 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसमें रणवीर कपूर के अलावा रश्मिका मंदाना, तृप्ति डिमरी, बॉबी देओल और अनिल कपूर लीड रोल में दिखाई दिए थे। फिल्म को बोल्ड सीन और हिंसक कंटेंट के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वेल इंडिया।